नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। विघ्नहर्ता गणेश का सबसे खास दिन गणेश चतुर्थी, लेकिन आज मुंबई लगातार दूसरे साल मायूस थी। लाल बाग के राजा के दरबार से लेकर गणेश मंदिरों में सन्नाटा था, क्योंकि कोरोना के खतरे के मद्देनजर मंदिरों में पूजा पर रोक थी। लोग मंदिरों में दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बप्पा को घर लाने का जोश पहले से कहीं ज्यादा दिखा। बप्पा की एक झलक का इंतजार है, लेकिन बप्पा के दरबार पर पहरा है। भगवान और भक्तों में दीवार बना कोरोना। मुंबई में लालबाग के राजा यानी गणपति बप्पा के दरबार के बाहर भक्तों की भीड़ सुबह सवेरे से ही लग गई। हर कोई अपने बप्पा की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। लोगों के हाथों में प्रसाद और फूल मालाएं थी, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धा पर ऐसा ग्रहण लगा कि बप्पा के दरवाजे लगातार दूसरे साल बंद थे। मन में श्रद्धा और आस्था का सैलाब था, लेकिन हकीकत की जमीन पर मंदिर के आसपास का इलाका सूना था। और कुछ घंटों के भीतर ही लाल बाग के राजा के दर के बाहर पुलिस का ये जमावड़ा दिखने लगा। पुलिस ने पोस्टर चस्पा करके बता दिया कि मंदिर में आज कोरोना गाइडलाइंस की वजह से जाना मना है, सिर्फ ऑनलाइन दर्शन ही कर पाएंगे। लाल बाग के राजा के मंदिर के आसपास भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन भक्तों को उनके और भगवान विनायक के बीच कोरोना गाइडलाइंस का दीवार बन जाना जरा भी नहीं भाया। जरा लोगों की जुबानी सुनिए कि कैसे उनको इस बार की गणेश चतुर्थी पर बप्पा के दर्शन ना होने का कितना मलाल था। नहीं, लेकिन देना चाहिए अनुमति। बाहर खुल गए, पब खुल गए, सब खुल गया, तो मंदिर खोलने में क्या आपत्ति है? जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता वो खोला, जहाँ से लोगों को मन की शांति मिलती है वहाँ नहीं जान दे रहा। इच्छा है कि दर्शन करने के लिए है, दूरी बना के दर्शन करने का मौका देना चाहिए। इतने दूर से आए हुए हैं, थोड़े थोड़े दूर में, इतने लोग तो है नहीं। और एक साल भर का त्यौहार है, सबकी मनसा रहती है। साल भर में एक बार आता है गणेश चतुर्थी। ये देश पूरा हिंदुओं का देश है, अगर हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे, कोरोना तो ठीक है, कोरोना आएगा जाएगा, उसकी सेफ्टी हम लोग पालन करेंगे ना भाई, जैसा गवर्नमेंट बोलेगा जैसा। एकदम हम लोग चढ़ के थोड़ी चलाएंगे, दो चार आदमी पांच आदमी दर्शन तो करना। भक्त अपने भगवान के दर्शन को आतुर थे, लेकिन पुलिस की अपनी दलील थी। पुलिस ने मंदिर के बाहर की करीब 100 दुकानों को भी बंद करा दिया था। पुलिस का कहना था कि सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत है और कोरोना के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई है। सिर्फ सुबह 10 लोगों की आरती और शाम को 10 लोगों की आरती के लिए परमिशन है। यहाँ कौन VIP है, सेलिब्रिटी है या कॉमन आदमी, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ 10 लोग यहाँ आरती की तरह टाइम में रह सकते हैं, इस तरह की सुविधा दी गई है और उसका पालन स्ट्रिक्टली होगा। मुंबई में भले ही सख्त पाबंदी थी, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ दूसरे शहरों में गणेश चतुर्थी की धूम दिखी। पुणे के मशहूर दगड़ू सेठ मंदिर में भक्तों को आने की इजाजत दी गई थी। विनायक का मनोहारी श्रृंगार किया गया, विघ्नहर्ता की पूजा की गई, भगवान गणेश को खास पकवानों का भोग लगाया गया। और ये तस्वीर नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर की है। नागपुर में कोरोना गाइडलाइंस के तहत बप्पा की पूजा अर्चना की गई। यहाँ सीमित तादाद में भक्तों को इजाजत दी गई थी। मंदिर में विनायक की खास पूजा की गई। कतारों में लगकर लोगों ने विघ्नहर्ता के दर्शन किए। उधर सितारों में भी बप्पा को 10 दिन की पूजा के लिए घर पर लाने की होड़ मच गई। एक्टर स्वप्निल जोशी भी अपने घर बप्पा की मूर्ति लेकर आए। मुंबई से दूर गोवा में भी गणेश उत्सव के खास रंग दिखे। खुद CM प्रमोद सावंत ने अपने गांव खोटामी में बप्पा की पूजा की। मंदिरों में दर्शन पर भले ही इस बार पाबंदी हो, लेकिन लोग पूरे जोश खरोश के साथ बप्पा को अपने घर ला रहे हैं। आखिर घर पर बप्पा को मेहमान बनाने, प्यार और श्रद्धा से पूजा अर्चना करने में कोरोना दूर दूर तक अड़चन पैदा नहीं कर सकता। सौरव वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उत्तर प्रदेश के राज्यों से लेकर सुदूर दक्षिण तक आज बप्पा के जयकारे लगे। गणेश चतुर्थी के साथ
10 दिन के गणेश उत्सव का आगाज भी हुआ और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ आया। मंदिरों में ध्वजाएं चढ़ाई गई और बप्पा के स्वागत में लोग झूम उठे। सुख समृद्धि और खुशियों के भगवान का जन्मदिन हो और भक्तों के बीच जोश और उल्लास ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। साल भर तक गणेश भक्तों को जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। 10 दिन के गणेश उत्सव की धूम देश भर में मच गई है। हर तरफ बप्पा के जयकारे लग रहे हैं, भक्तों के चेहरे पर जोश है, भक्ति और आस्था की चमक है। दिल्ली के पंडाल में जब पधारे गणपति तो माहौल कुछ ऐसा था, भक्तों के चेहरे खिल उठे, लोगों के चेहरों पर उल्लास देखने लायक था। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच श्रद्धा का सैलाब दिखा, लोग थिरकने लगे। विघ्नहर्ता का कुछ ऐसा जोशीला स्वागत कि सबका मन मोह ले। और ये समाज के लिए एक संदेश है कि यूनिटी और एकता के लिए। तो दर्शन ऑनलाइन है, कम लोगों को अनुमति दी गई है, 100 से 150 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन गणपति पधार चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि गणपति का पदार्पण हुआ है, शुभ संकेत है, मंगलकारी है गणपति, मंगल के देवता है। तो और इस मांगलिक वेला में कोशिश यही की जाएगी कि गणपति का की पूजा अर्चना तो होगी, साथ ही साथ ये एक तरीके से गणपति का आशीर्वाद रहे कि कम से कम सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो। इंदौर के खजराना मंदिर में भगवान गणेश को पूरे 51,000 मोदक का भोग लगाया गया। गणेश चतुर्थी पर ध्वजारोहण करने और पूजन में हिस्सा लेने कलेक्टर से लेकर निगमायुक्त और आईजी तक हाजिर थे। यहाँ 2 करोड़ के सोने के जेवरों से सजे दिखे खजराना के गणेश। हैदराबाद में भी भक्तों ने कतारों में लगकर गणेश भगवान के दर्शन किए। लोगों ने मनोतियां मांगी और बप्पा से दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना की। दक्षिण के हर राज्य में गणेश पूजा की धूम है। बेंगलोर के श्री सत्या गणपति मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर को हर साल खास अंदाज में सजाया जाता है। इस बार सजावट में कच्चे केले और केले के पेड़ की पत्तियों को शुमार किया गया है। आजमगढ़ में ऐतिहासिक दक्षिणमुखी मूंगा गणेश मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की गई और इस खास मौके पर देश के कोने कोने से आए लोग हाजिर थे। मूंगे से बनी गणेश प्रतिभा के दुर्लभ दर्शन सिर्फ आजमगढ़ में ही हो सकते हैं। कोयम्बटूर में भी मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए भक्त बेताब दिखे। फूल बाजार इलाके में दूर तक भक्त ही भक्त नजर आए। भक्तों के मन में अटूट आस्था है कि भगवान गणेश हर बाधा को दूर करके भक्तों की मदद करते हैं और यही आस्था गणेश चतुर्थी पर हर मंदिर हर देवालय में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली के गणेश पंडालों का नजारा आज देखने लायक है। विघ्नहर्ता विनायक आए तो लोग स्वागत में बिछ गए हैं, हर तरफ उल्लास है, लोग गणेश आराधना में डूबे हुए हैं। कोरोना की गाइडलाइन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल है, पिछले 2 साल से जो कोरोना गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। जहाँ हजारों की भीड़ होती थी वहाँ पर अब भीड़ कम रखी गई है और कोशिश यही किया जा रहा है कि गणपति तो आए लेकिन घर में निरोग और स्वास्थ्य को लेकर के आए, एक अच्छा जो माहौल है वो रहे। तो गणपति को लेकर के क्या क्या विशेष आप लोगों ने व्यवस्था इस बार की? इस बार की व्यवस्था क्या खास? गणपति आ रहे हैं आज की स्थापना हमारी बहुत धूमधाम से कुछ मनाया जा रहा है अपना। और अभी ऑनलाइन दर्शन है? ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन होता है, फेसबुक दर्शन हमारी। पिछले 20 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये 20वां कार्यक्रम है इस साल का। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सारा वो किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना
चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो दर्शन हो, वो सारे फेसबुक लाइव दर्शन है हमारे, और ये समाज के लिए एक संदेश है कि यूनिटी और एकता के लिए। तो दर्शन ऑनलाइन है, कम लोगों को अनुमति दी गई है, 100 से 150 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन गणपति पधार चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि गणपति का पदार्पण हुआ है, शुभ संकेत है, मंगलकारी है गणपति, मंगल भव मंगल पोल के देवता है। तो और इस मांगलिक वेला में कोशिश यही की जाएगी कि गणपति का की पूजा अर्चना तो होगी, साथ ही साथ ये एक तरीके से गणपति का आशीर्वाद रहे कि कम से कम सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, और कोविड का जो एक बड़ा साया इस समय जो पूरे देश पर है, विश्व पर है, उससे भी मुक्ति मिल पाए। तो गणपति सारे जो जिनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, वो तमाम विघ्न होते हर दिन। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।